hello friends you are welcome to my channel study with arti gupta today in this video lecture i am going to discuss a victorian novel and the novel is wives and daughters it is written by elizabeth gaskell and the subtitle of this novel is an Everyday Story means wives and daughters. An Everyday Story and Friend, it was first published in the Cornhill magazine. But actually, this novel is not completed by Elizabeth Gaskill due to her sudden death in 1865. So, Friend, this was means the last section of this novel is completed by.

मॉली गिब्सन जो कि एक डॉक्टर की बेटी है इसकी मदर की डेथ हो चुकी है और इस टाइम पे ये अपने डॉक्टर फादर के साथ रह रही है मीन्स इसके फादर डॉक्टर हैं और उनका नेम है मिस्टर गिब्सन एक बार मॉली अपने फादर के साथ जा रही है लेडी एंड लॉर्ड कमनर के घर पे वहाँ पे जाती है तो ये क्या करती है रास्ते में खो जाती है जब रास्ते में खो जाती है मीन्स उनके घर तक पहुंच जाती है लेकिन वो इधर उधर घूमने लगती है जिससे एक खो जाती है और ये एक पेड़ के नीचे सो जाती है तो उस घर की जो मेड होती है जिसका नाम होता है मिश कर पैट्रिक उनको ये मिलती है तो वो क्या करती हैं वो मेड इसको अपने रूम में सुला देती हैं और बोलती है तुम परेशान मत हो और जब तुम्हारे फादर यहाँ से जाने वाले होंगे तो मैं ना तुमको जगा दूँगी तुम अभी आराम से सो जाओ उसके बाद ये जो मेड होती है ये जगाना भूल जाती है और जब इसकी नींद खुलती है रात में तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अरे अब मुझे पूरी रात यहाँ स्पेंड करना पड़ेगा उसे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है अचानक से फिर इसके फादर इसको एनी हाउ ढूंढते हैं और इसको फिर अपने साथ लेके चले जाते हैं अब फ्रेंड्स स्टोरी आती है कुछ सालों के बाद की कुछ सालों के बाद पता चलता है कि मॉली गिप्सन एक बहुत ही अट्रैक्टिव लड़की है लेकिन अनवर्डली है मीनस इसको बाहर की चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा मतलब नहीं है अपने में रिजर्व रहती है इनके फादर का एक असिस्टेंट होता है जिसका नाम होता है मिस्टर कॉक्स वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है मौलिक की तरफ जब इसके फादर को ये चीज़ पता चलती है इसकी सीक्रेट फीलिंग्स अपने असिस्टेंट की जिसका नाम होता है मिस्टर कॉक्स तो ये डिसाइड करते हैं कि मैं मौली को यहाँ से बाहर भेज दूँगा कहीं इसका गलत असर मेरी बेटी के ऊपर ना आ जाए तो ये अपनी बेटी को भेज देते हैं हामलीज़ हाउस में हामलीज हाउस इनके जान पहचान के होते हैं इनके रिलेटिव्स भी होते हैं ये मौली उनके यहाँ रहने चली जाती है उस फैमिली में बच्चे होते हैं जिसमें सबसे बड़े बेटे का नाम होता है ओसबॉर्न और छोटे बेटे का नाम होता है रोज़र ओस जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा है घर वालों को बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि ये वहाँ पे बहुत अच्छा करेगा और अपना करियर अच्छा बनाएगा जबकि अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो रोज़र है वो बहुत ही ज़्यादा वेल मीन्स वेल एजुकेटेड भी है और इंटेलेक्चुअल भी है मीन्स बहुत अच्छा है अब ऑसबोर्न उस यूनिवर्सिटी में वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है जो उसको करना चाहिए था बहुत इसका पुअर रिस्पॉन्स होता है जिसकी वजह से इसके पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और इसकी मदर की डेथ हो जाती है मीन्स ओस बॉर्न की मदर की डेथ हो जाती है जैसे ही ओस बॉर्न की मदर की डेथ होती है तो ये फादर और सन के बीच का जो रिलेशन है वो ख़राब होने लगता है उनके बीच में एक ऐसी दरार आ जाती है जो फिर कभी नहीं भर पाती अब मौली तो यहाँ पे हमलीस फैमिली में है उसके फादर मिस्टर गिप्सन इस टाइम घर पे अकेले हैं तो यहाँ पे वो अपनी सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं वो इसलिए सोच रहे थे कि अगर मेरी सेकंड मैरिज हो जाती है तो मेरी डॉटर को मिस मौली को उसकी मदर भी मिल जाएंगी। स्टेप मदर ही सही लेकिन कम से कम मौली का ध्यान तो रखेंगी और मिस्टर कॉक्स का उसके ऊपर कोई असर भी नहीं पड़ेगा तो वो डिसाइड करते हैं शादी करने का और शादी किससे करने का जो मिसज कर्क पैट्रिक थी मीस उस मिस्टर एंड मिसेस कमनर के यहाँ जो लोग लो ये लोग गए थे मिस लॉर्ड एंड लेडी कमनर के घर पे उनकी जो मेड थी उसका नेम था मिस क्लियर मिस कलेयर उसका मैडि नेम था ठीक है जब मौली घर आती है तो उसके फादर ये चीज़ बताते हैं कि मैं सोच रहा हूँ मैं शादी कर लूँ लेकिन मैं किससे शादी कर लूँ तो बताते कि मिस क्लियर से तो मिस क्लियर को तो नहीं जानती थी लेकिन जब ये शादी करके आते हैं तो उसको याद आता है कि अरे ये तो वही है जिनसे मैं पहले कुछ टाइम के लिए मिली थी तब तो उसको याद आता है कि अच्छा ये वही मेड है जिन्होंने मुझे अपने घर पर सुनाया था और बोला था कि जब तुम लोग यहाँ से जाओगे तो मैं तुम्हें जगा दूँगी फ्रेंड्स यहाँ पे मिसेस कर्क पैट्रिक की एक डॉटर भी होती है मिस अब ये मिस क्लियर है यहाँ पे इनकी एक डॉटर भी होती है जिसका नाम होता है सिंथिया अब सिंथिया और मौली की सेम एज है लेकिन जो सिंथिया है वो बहुत ही वर्डली नेचर की है वेल well एजुकेटेड है इसने फ्रांस से ग्रेजुएशन किया है और मौली और ये बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं लेकिन ये जो सिंथिया है ना इसका थोड़े हाव भाव अच्छे नहीं है मौली इसको कम पसंद करती है लेकिन एनी हाव फिर भी ये लोग अच्छे से एक दूसरे के साथ रहते हैं अब मौली थी उस हेमलीज हाउस में जहाँ पे रोजर और ओसबॉर्न रहते थे वो वहाँ पे कंटिन्यू जाना स्टार्ट करती है हमेशा वहाँ विज़िट करती रहती है तो इसको वहाँ पर सीक्रेट पता चलता है और सीक्रेट ये था कि जो ओस बॉर्न था उसने एक फ़्रेंच कैथोलिक लड़की से शादी कर ली थी जिसका नाम था एमी और उसको एक सीक्रेट घर लेके रख दिया था मीन्स उसने अपने घर वालों को नहीं बताया था कि उसने शादी कर ली है और उसकी वाइफ भी है उसको एक बेटा भी था जिसका नाम था लिटिल ऑस बॉर्न लेकिन जो रियल नेम था वो उसका रखा गया था रोज़र मीन्स रोज़र ओस बॉर्न का छोटा भाई था रोज़र और रोज़र के नाम पर ही ओसबोन के बेटे का नाम था अब यहाँ पे जो ये जो थी मिसेस गिप्शन बन गई थी मीन्स अ मौलिक की स्टेप मदर वो यहाँ पे कोशिश करती हैं कि सिंथिया का और ऑसमोन का रिलेशन हो जाए जिससे एक अच्छी फैमिली में उसकी शादी हो जाए तो अच्छा हो जाए तो एक बहुत कोशिश करती है प्रमोट करने की कि शादी हो जाए लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी ऑसमन मैरिड था तो उनका एक काम बन नहीं पाता लेकिन जो वहाँ का यंगर बेटा था मेरी छोटा बेटा रोज़र वो सिंथिया की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और यहाँ पे मौली अट्रैक्ट हो जाती है रोज़र की तरफ़ क्योंकि मौली और रोज़र की बहुत ही अच्छी बाइंडिंग्स थी अब यहाँ पे रोज़र और सिंथिया दोनों एक दूसरे से सीक्रेट इंगेजमेंट कर लेते हैं लेकिन ये बात कहते हैं कि अभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि एक्चुअली रोज़र ने और सिंथिया ने इंगेजमेंट कर लिया है लेकिन सिंथिया ये चीज़ मौली को बता देती है कि मेरी और रोज़र की इंगेजमेंट हो गई है अब यहाँ पे इंगेजमेंट हो जाती है उसके बाद बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ जाता है ओसबॉन बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है तो ये मौली को बुलाता है और मौली से बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी डेथ हो जाएगी मैं मरने वाला हूँ मेरे मरने के बाद तुम मेरी वाइफ को और मेरे बच्चे का ध्यान रखना उसके बाद ओसबॉन की यहाँ पर डेथ हो जाती है जब ये बात एमी सुनती है उसकी वाइफ जो कि दूसरे घर पे सीक्रेट घर पे रह रही थी जब उसको ये चीज़ पता चलती है तो यहाँ पे आती है मीन्स हैमलीज़ हाउस में आती है तो मौली यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराती है कि ये एमी है ओसमोन की वाइफ और ये उसका बेटा है तो यहाँ पे रोज़र बहुत फोर्स करता है अपने फ़ादर को मनाता है कि आप प्लीज़ इनको यहीं पे रख लो क्योंकि अब इनका कोई है नहीं है ऑसबॉर्न की डेथ हो गई है और ये कैसे ना कैसे करके यहाँ पे एडजस्ट कर लेगी मीन्स रोज़र रहनी हाउ यहाँ पर सबको फाइनली मना लेता है और यहाँ पे ऑसबॉर्न का बेटा और उसकी वाइफ एमी इस फैमिली में फाइनली शिफ्ट हो जाते हैं उसके बाद रोज़र यहाँ पर इंगेजमेंट करने के बाद चला जाता है अफ्रीका टू ईयर्स के लिए टू ईयर्स के लिए अफ्रीका चला जाता है उसके बाद यहाँ पे मौली को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है एक दिन मौली और सिंथिया साथ में होते हैं तो सिंथिया यहाँ पे बाल बताती है अपने पास्ट की इसको पहले से भी मौली कुछ डाउट था कि ये मदर का मीन्स उसकी स्टेप मदर का और सिंथिया का पास्ट में ज़रूर कुछ ऐसा रहा है जो ये लोग बताना नहीं चाहते हैं तो सिंथिया यहाँ पर इसको बताती है कि बहुत टाइम पहले जब मैं छोटी थी तो मुझे अपनी पार्टी के लिए न्यू ड्रेस खरीदना था तो एक मिस्टर प्रेस्टन जो कि एक लैंड एजेंट थे उनसे मैंने ट्वेंटी पाउंड्स लिए थे और मैंने एक साइन किया था उनके साथ कि मैं आपसे शादी करूँगी और मैंने उनसे एक ऐसी टेम्प्रेरी ना इंगेजमेंट भी कर ली थी तो मेरा लेटर रिटर्न उनके पास है जिसकी वजह से वो मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्लैक मेल करता है और मैं उनसे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ तो मौली बोलती है ठीक है तुम परेशान मत हो मैं तुम्हारी इस चीज़ में हेल्प करूँगी वो जाती है मिस्टर प्रेस्टन के पास उस लेटर को वापस लाने के लिए कि मैं तुम्हारी ट्वेंटी पाउंड दे देती हूँ तुम तो मुझे वो लेटर वापस कर दो तो जो आसपास के लोग देखते हैं कि मिस्टर प्रेस्टन के पास मौली गई है तो ये र्यूमर उड़ जाता है कि मौली और मिस्टर प्रेस्टन कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है जब इस चीज़ के लिए मौली के फादर डॉक्टर गिपसन और उसकी स्टैप मदर मिसि गिप्सन इस चीज़ का पता करते हैं तो उनको पता चलता है कि एग्जैक्टली exactly सिंधिया का ही रिलेशन था उससे मिस्टर प्रेस्टन के साथ और एग्जैक्टली बात क्या थी उसके बाद सिंधिया की जब ये चीज़ें रिवील हो जाती हैं तो रोज़र के साथ अपनी इंगेजमेंट तोड़ देती है मीन्स ब्रेक कर देती है और उसके बाद एक जेंटलमैन से शादी कर लेती है जिसका नाम होता है मिस्टर हैंडरसन अब रोज़र को अफ्रीका गए हुए टू इयर्स हो जाते हैं वो टू इयर्स के बाद यहाँ पे वापस आता है और जब वापस आता है तो यहाँ पे उसको पता चलता है कि उसकी इंगेजमेंट तो ब्रेक हो गई है तो उसको ये फील होता है कि शायद वो मौली को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है उसके बाद ये मौली को प्रपोज करता है और मौली का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है फ्रेंड्स जब ये रोज़र बाहर गया था मिस अफ्रीका गया था टू ईयर्स के लिए तो मौली ने इसको कुछ ड्राइड फ्लावर्स गिफ्ट किए थे जब ये वापस आता है अफ्रीका से तो वही ड्राइड फ्लावर्स फिर से मौली को देता है और उसको प्रपोज़ करता है और फ़ाइनली ये दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं और यहीं पे ये नावल ख़त्म हो जाती है तो फ्रेंड्स आम शोर कि आपको नावल अच्छे से समझ में आ गया होगा बस आप लोग एक चीज़ ये याद रखिएगा कि इसको जो कम्प्लीट किया था नावल को वो किया था फ्रेडरिक ग्रीन ने तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही आई विल मीट यू सोन विद अ न्यू वीडियो लेक्चर टिल नाउ बी सेफ कीप लविंग लिटरेचर एंड इंस्टीट्यून टू आरती गुप्ता थैंक यू सो मच